नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे मतदान के दौरान P3 तृतीय मतदान अधिकारी के क्या कार्य हैं। तो दोस्तों, तृतीय मतदान अधिकारी मुख्यतः EVM के प्रभारी होता है। मतदान कक्ष में रखा बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट का तथा दोनों को जोड़ने वाला केबल तार की सुरक्षा की देखभाल मतदान अधिकारी क्रमांक 3 ही करेगा। जब कोई मतदाता अंगूठा लगाकर P2 के पास से आता है तो आपको देखना है कि उसके अंगूठे पर जो पैड का स्याही है उसके निशान तो नहीं है। यदि अंगूठे में स्याही का निशान है तो आपको कपड़ा से उसको पोंछना है। उसके बाद आपको बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट में ध्यान रखना है। जो सील लगा होता है और पेपर स्टिक पर लगा होता है उसको क्षति न पहुंचे तथा केबल तार होता है वह मतदाता के पैर के नीचे से नहीं आवे, उसको दीवार के किनारे करना है। P3 मतदाता से मतदाता पर्ची प्राप्त कर सावधानी पूर्वक क्रम से संग्रहित करना। जो जिस क्रम में P2 से आगे भेजता है आपको उसी क्रम में समेटेट जाना है। इसके लिए हो सके तो आप एक छड़ तार में 50-50 का गुत्थी करके रखें और जिससे आपको बाद में कोई समस्या ना हो। वोटर के दोनों बाएं तर्जनी पर लगे अमित स्याही की आपको जांच करनी है। यदि अमित स्याही नहीं लगा होता है तो P2 के पास आपको पुनः स्याही लगवाना के लिए भेजना होगा। यदि किसी ने स्याही को मिटाने का प्रयास किया या अस्पष्ट अमित स्याही दिखाई नहीं दे रहा है तो आपको पुनः उसको लगवाना है। यदि कोई स्याही लगवाने से इनकार करता है तो आप उसके लिए बैलेट जारी नहीं करेंगे। वोटर अपना मत दर्ज कर सके इसके लिए आपको कंट्रोल यूनिट के बैलेट बटन को दबाना है। मतदाता को मतदान कक्ष में मतदान करने के लिए भेजना है। वोटर कक्ष में मतदाता मतदान करने पर कंट्रोल यूनिट के बीच आवाज बीप का सुनाना भी जरूरी है। आपको आपके पास से कंट्रोल यूनिट है उसका बीप बीच बजेगा, उसके बाद ही वह वोटर वहां से जा सकता है। यह भी सुनिश्चित करना पाएंगे कि मतदाता ने अपना मत डाला कि नहीं दी। कोई भी मतदाता यथा संभव हो सके तो अगर मतदान कक्ष में वह बहुत देर तक रहता है तो आपको पीठासीन को इस बात की जानकारी देनी होगी। उसके अलावा पीठासीन अधिकारी तब उस मतदाता को बाहर विनम्रता पूर्वक निकालने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम जानें P3 के चुनाव के दौरान क्या सब कार्य होता है।